वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PNV एजुकेशन। यहाँ पे आप सभी को कैमरा से रिलेटेड, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से रिलेटेड हम लोग बातचीत करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हम बता देते हैं, इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि कैमरा लाइन क्या अच्छा है या फिर खराब है, यानी कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी आप लोग अगर करना चाहते हैं तो क्या ये लाइन अच्छा है या फिर नहीं है, उसी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो या फिर सिनेमेटोग्राफी हो, बेसिकली इसका काम हर एक जगह होता है, इन फ्यूचर भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसका फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इसका रहेगा ही रहेगा, चाहे फोटोग्राफर हो वीडियोग्राफर। अभी तो सिनेमेटिक का काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, जहाँ पर गिम्बल से शूट किया जाता है, अपने फुल फ्रेम कैमरा हो या फिर DSLR, कोई भी बढ़िया कैमरा जो कि गिम्बल पे लगा दिया जाता है और वहाँ से शूट होता है, तो उसमें जर्क नहीं होता है और वीडियो है स्मूथली रिकॉर्ड होता है, तो उसका ट्रेंडिंग बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो मैक्सिमम जन का अभी डिमांडेड है कि सिनेमेटोग्राफर का, और उतना ज़्यादा है नहीं। जो फोटोग्राफी करता था या फिर वीडियोग्राफी करता था वही अभी शिफ्ट हो रहा है सिनेमेटिक पे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि डिमांडेड इसी का है। धीरे धीरे ट्रेडिशनल जो होता है वो बड़ा कैमरा वो बंद होने वाला है, बंद एक्चुअली नहीं होगा, वो तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो अपना फील्ड पे है, सिनेमेटिक अपना फील्ड पे है और फोटोग्राफी फिर अपने अपने फील्ड पे है। तो फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो बहुत ही जगह यूज होता है फोटोग्राफी, ऐसा बात नहीं है। आप मॉडल का शूट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं, साथ में वेडिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और भी ना जाने प्रोडक्ट, अमेजोन पोर्टफोलियो वगैरह बहुत सारा ऑप्शन है। आप जिस चीज़ में आप सभी को इंटरेस्ट है उसमें आप लोग जा सकते हैं। और वीडियोग्राफी भी इसी तरह है। आप अगर किसी, देखिए मुझे भी इन फ्यूचर अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया तो इतना चीज़ हम थोड़ी ना मैनेज कर पाएंगे, मुझे इसके लिए एक वीडियोग्राफर की ज़रूरत पड़ेगा, एक फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी तरह हर एक को ज़रूरत पड़ते ही रहता है, और वीडियोग्राफर का भी डिमांडेड काफ़ी ज़्यादा है, और सिनेमेटोग्राफर का तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी सिनेमेटिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जितना भी यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं ऑलमोस्ट वो सिनेमेटिक ही रहता है, तो उसका भी डिमांडेड है और उसमें भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। जितना एडवांटेज है उससे कई ज़्यादा डिसएडवांटेज भी है, तो सारा कुछ को आपको ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। सबसे आगे तो पेशेंस रखना पड़ेगा और प्रॉपर नॉलेज आप सभी को रखना पड़ेगा। मेरे नज़र में तो ऐसे ऐसे भी बंदे हैं जिसको आता कुछ नहीं और डिंग इतना बड़ा बड़ा मार देगा ना, सो मत पूछिए। बेसिकली अभी हम लोग काम करते हैं वेडिंग से रिलेटेड, तो मेरा भी ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। ज़्यादा हम काम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उतना मेरा ब्रांड वगैरह बना नहीं है और लोग मुझे उतना जानते नहीं हैं। जहाँ जहाँ पता है तो एक दो काम आ ही जाता है। एक्चुअली हम काम कर रहे हैं एल्बम डिजाइनिंग में, तो उसमें जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे फुर्सत नहीं मिलता, जो बात है क्लियर है, बिल्कुल भी मुझे फुर्सत नहीं मिलता। इतना ज़्यादा पेंडिंग मेरा काम पड़ा हुआ है, मत पूछिए। अभी भी 6 एल्बम को डिजाइनिंग करना है जो कि अभी तक पड़ा हुआ है, और मेरा प्रॉपर आँख जो है ना जलना स्टार्ट हो गया है, मतलब स्क्रीन देख देख करके। तो अभी फिलहाल हम ब्रेक ले हुए हैं और बहुत जल्द मुझे चश्मा भी लग जाएगा। अब देखते हैं कि अगर ले पाते हैं तो सही है, नहीं तो फिर चश्मा लगना कंपलसरी है। अगर उससे पहले हम ब्लूरे ले लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही थी बातें आप सभी को बताना, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस लाइन पे जाना है नहीं जाना है, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन धीरे धीरे आप सभी को और भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। ये तो फिलहाल सम अप हम कर दिए एक ही वीडियो में, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, साथ में एडिटिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में डिजाइनिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा कुछ आप सभी को इसी चैनल पर मिलेगा, बस आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कोई भी इससे रिलेटेड अगर इंटरेस्टेड है तो उसके साथ भी आप लोग ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।